दोस्तों आज मैं एक सफ़ेद दाग यानी विटलिगो यानी ल्यूकोडर्मा के ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो जो कि डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड उनके वहाँ जो के स्टूडेंट जो MD स्किन एंड डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन एंड वीडियम कर रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ये पब्लिक अवेयरनेस वीडियो जो विटलिगो यानी ल्यूकोडर्मा के ऊपर बड़ी समाज में गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, उसके बारे में उसको दूर करने की कोशिश की गई है। जैसा हमने अक्सर अपने क्लिनिक में देखा है कि जो डायबिटीज के मरीज या थायराइड के मरीजों को विटलिगो हो जाता है तो बड़े डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं और कितनों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि इलाज का संभव आज की डेट में। प्लस स्पेशली वेमेन जो उनको विटलिगो हो जाता है वो बड़ा डिप्रेशन में आती हैं। प्लस उसके परिवार के लोग इसको छुआछूत बीमारी समझ के या इसको कोई बहुत ख़राब बीमारी समझ के उनसे दूरी बना लेते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। और ये विटलिगो और अनमैरिड गर्ल्स के अंदर है तो शादी के बाद बड़ी दिक्कतें हमें देखी है जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं। उनको भेदभाव होता है, उनके साथ इक्वलिटी की नहीं की जाती है। तो इस वीडियो से आपको सफ़ेद दाग यानी विटलिगो के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि ये इसका इलाज संभव है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, इसको जितना हो सके आप इसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे उनको इस बीमारी के बारे में नॉलेज हो सके। प्लस अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो पहुँचे जिससे इस बीमारी के बारे में गलत धारणाएँ भ्रांतियाँ दूर हो और समाज में इसके बारे में जानकारी हो। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको वायरल करिए। अब ये वीडियो आप आगे देखिए इसको। एम्स भोपाल के त्वचा रोग विभाग से मैं डॉक्टर दिनेश असाठी और मेरी चिकित्सक साथीगण आज विटलिगो दिवस पर विटलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा, जिसको सफ़ेद दाग भी कहा जाता है, से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ जानकारियाँ आप सभी से साझा करेंगे। यह बीमारी एक साधारण सी त्वचा की बीमारी है जिसमें कलर की कोशिकाएं कम हो जाती हैं, मेलेनोसाइट्स कम हो जाती हैं। इसमें कोई कीटाणु नहीं शामिल होता है, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है, अर्थात एक दूसरे को नहीं होता है, जन्मजात भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ हम सहजता से रह सकते हैं, उनके साथ खाना भी खा सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे में किसी को भी कोई डर नहीं रखना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देना चाहिए। यह बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, इसमें क्या सावधानियां हैं, क्या इलाज है, इसके बारे में मेरे चिकित्सक साथीगण आप सभी से कुछ जानकारी, कुछ तथ्य और कुछ भ्रम जिनको विज्ञान आज निर्मूल कर चुका है शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल बाहेती विश्व विटिलिगो दिवस के उपलक्ष में आज आपके साथ विटिलिगो, जिसे आम भाषा में सफ़ेद दाग की बीमारी भी कहते हैं, उससे जुड़ी कुछ भ्रांतियों का खंडन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सफ़ेद दाग वाली जो बीमारी है मेरे को, क्या ये छूने से फैलती है? नहीं, यह बीमारी छूने से नहीं फैलती है। इस बीमारी में हमारे शरीर की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, वे हमारे शरीर के रंग बनाने वाली कोशिकाओं के विरुद्ध ही काम करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सफ़ेद दाग हो जाता है। मेरे घर के आसपास लोग मुझे सोचते कि मेरे को कुष्ठ रोग है, ये कुष्ठ रोग और ये सफ़ेद दाग वाली बीमारी एक ही है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग की बीमारी अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब, घर वाले तो कुछ भी नहीं खाने देते है, ठंडा गर्म एक साथ खाने नहीं देते, कुछ भी, बहुत सारे खाने पे रोक टोक लगाई है, ये सच है क्या कि खाने पीने के वजह से ये लोग बढ़ सकती है कि घट सकती है? नहीं, कुछ खाने से सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं होती है, गर्म ठंडा खाने से या फिर खट्टा खाने से सफ़ेद दाग की बीमारी बढ़ती नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली पूछना चाहते थे कि ये जो विटिलिगो और सफ़ेद दाग वाली बीमारी है,
इससे शारीरिक क्षमता की कोई क्षति होती है कि मानसिक क्षमता की कोई समस्या होती है क्या इससे? नहीं, सफेद दाग का शारीरिक व मानसिक किसी भी स्थिति से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक त्वचा के रंग में बदलाव है और कुछ भी नहीं। विटिलिगो किसी भी स्किन कलर में हो सकता है, बस ये है कि सामने रंग में कुछ ज्यादा दिखता है। तो साहब, मैंने सुना था कि तेल लगाने से ये जो बीमारी होती है सफेद दाग की, ये थोड़ी कम हो सकती है, क्या ये सच है? नहीं, यह बीमारी घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं होती है, परंतु इसे ठीक करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि क्रीम्स, कुछ गोलियां, और इसे ठीक करने के लिए हम सर्जरी भी कर सकते हैं। तो जो ये विटिलिगो की बीमारी है, क्या ये इसमें स्किन कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है? सफेद दाग में कैंसर होने की संभावना 1% से भी कम है। विटिलिगो डे के अवसर पर मैं अपनी एक कविता लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। कविता मेरी है लेकिन इसमें आप सबकी कहानी है, तो आप अगर खुद को इस कहानी में ढूंढ पाए तो एक बार ताली बजाइएगा जब भी आपको ऐसा महसूस हो, ताकि आपको अच्छा लगे। अभी कोविड का दौर है इसलिए हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, वरना ये बातें सामने बैठकर होती। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एम्स भोपाल परिवार को जिन्होंने इस पूरी वीडियो का आयोजन किया है। यूं तो वो मुश्किल से कभी घबराता नहीं है, यूं तो वो मुश्किल से कभी घबराता नहीं है, बस शर्म से आजकल बाहर जाता नहीं। यूं तो वो मुश्किल से कभी घबराता नहीं है, बस शर्म से आजकल बाहर जाता नहीं है। और अगला शेर सुनिए और पहुँचे तो बताइए कि कमी फरमाई नहीं है कुदरत ने उसे ऐसे तो, कमी फरमाई नहीं है कुदरत ने उसे ऐसे तो, मेरा दर्द है कि वो खुल के मुस्कुराता नहीं। और अगला शेर सुनिए, आपकी खुददारी का शेर सुनिए कि ये जो सफ़ेद दाग देखते हो बदन पे उसके मिट गया, ये जो सफ़ेद दाग देखते हो बदन पे उसके मिट गया, पर तुम्हारे मन से धुंधलाता नहीं है। वो गरीब है दुनिया उस पे तंज कसती है। कहते हैं कि सदी के महानायक अमिताभ जी को भी विटिलिगो की बीमारी है, उन्हें भी परेशानी हुई होगी लेकिन उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। कई बार आपको कुछ लोग कुछ कह देते हैं, आप उनकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते होंगे, आपको बुरा लगता होगा, तो बुरा नहीं मानना है। आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि अमिताभ जी को भी तो है, आप अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं ये सोचकर। तो अगला शेर इसीलिए है कि वो गरीब है दुनिया उस पर तंज कसती है, अमिताभ के आगे कोई सुगबुगाता नहीं है। और अगला शेर है, आपकी खुददारी का शेर है कि कभी अंधेरों में खड़े होकर खुद को निहारिए, कभी अंधेरों में खड़े होकर खुद को निहारिए, अंतर उसमें आप में कोई नजर आता नहीं है। ये जो भी लोग हैं, आप जो भी लोग हैं जिन्हें भी बीमारी है विटिलिगो है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगला शेर है कि ये जो भी लोग हैं इन्हें बस दवा दारू चाहिए, ये जो भी लोग हैं इन्हें बस दवा दारू चाहिए, ये न समझो लाइलाज है ठीक हो पाता नहीं है। और अंतिम शेर हम सब के लिए है, और जो जो लोग ये सुन रहे हैं उन सब के लिए है कि इन्हें भी साथ बैठाओ, खिलाओ, गले लगाओ, इन्हें भी साथ बैठाओ, खिलाओ, गले लगाओ, मोहब्बत बांटने में अपना कोई घाटा नहीं। मेरे दाग मेरी पहचान नहीं, उनसे जुड़ी कोई मेरी शान नहीं, रंग का भेद है बस वो, रंग का भेद है बस वो, मेरे अंदर का भेद नहीं, मेरी दुनिया इसमें कैद नहीं।